वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी टिप्स विद सीता तमन्ना। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ये है स्केच के शूज़। मैंने दो शूज़ खरीदे हैं, दोनों ही स्केचर्स के हैं। इस वीडियो में मैं दोनों की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वालिटी वाइज कैसे हैं और इसका क्या कलर है। चलिए मैं आपको शूज़ अनपैक करके दिखाती हूँ। और चलिए जल्दी से हम अनपैक कर देते हैं और आपको स्केचेस की क्वालिटी दिखाते हैं। जैसे कि नाम ही काफ़ी है स्केचेस, इस ब्रांड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है, देखने से ये पता लग रहा है स्केचर के शूज़ की बात ही कुछ और है। अब देख सकते हैं स्केचेस वुमेन गोरन वुमेन शूज़ है और ये मैंने ग्रे कलर ऑर्डर किया है। और इसका साइज़ मैं आपको बता दूँ, इसका साइज़ है यूके का 7 नंबर मैंने ऑर्डर किया है और ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 2004 रुपीज़ का पड़ा है। देख सकते हैं ये रनिंग शूज़ है बेसिकली। चलिए इसे निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर का, देखिए कुशन काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा। इसका है गोगा मैट टेक्नोलॉजी का है ये कुशन जो है इसके अंदर मैट, और थो लाइट है ये और एयर कूल्ड गोगा मैट है, एयर कूल माइल्ड सोल फॉर्म है। और जो ये शूज़ है, दोनों का शूज़ जो आइटम वेट है 600 ग्राम है, 600 ग्राम है टोटल। देख सकते हैं कलर बहुत ही ग्रे कलर मुझे बहुत पसंद है, देख सकते हैं। और बेसिकली ये बहुत ही लाइट वेट कंफर्ट शूज़ है। इसे पहनने के बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही कुशन, बहुत ही सॉफ्ट है अंदर और बहुत ही बढ़िया शूज़ है। काफ़ी लंबे समय तक आप इन्हें पहन के रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और पहनने के बाद इतना हल्का महसूस होता है और इतना स्पंजिंग महसूस होता है अंदर कि आपके पाँव में दर्द नहीं होगा और बहुत अच्छे। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो अपना मम्मा को आप गिफ्ट कर सकते हैं। ओल्ड एज वालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं ये, क्योंकि अंदर पैडिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा लाइट वेट है। मुझे ये शूज़ बहुत ही पसंद आए और गुड प्राइस रेंज है इसकी। कंफर्ट एंड लाइट वेट है, कुशनिंग बहुत अच्छी है, गुड डील है, प्राइस वाइज बहुत ही अच्छे हैं। गाइस इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी मैं दूसरे शूज़ की भी अनबॉक्सिंग करूंगी, वो भी स्केचर के शूज़ ही हैं। दोनों को कंपेयर करके देखते हैं और ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आफ्टर यूज़ करने के बाद आपको इसके बारे में बता रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। चलिए हम दूसरे शूज़ को भी अनपैक करके दिखा देते हैं। ये भी स्केचर का शूज़ ही है और ये है फ्लैक्स अपैल 3.0 फैन क्रेजी रनिंग शूज़ है फॉर वुमेन। और इसका जो कलर है, इसका कलर भी ग्रे है गाइस। और ये जो इसका साइज़ है यूके का 7 नंबर ही मैंने ऑर्डर किया है और ये मुझे आफ्टर डिस्काउंट पड़ा था 2769 रुपीज़ का पड़ा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और चलिए गाइस अब जल्दी से बातें नहीं करते और जल्दी से आपको अनपैक करके दिखा देते हैं। गाइस आप मेरे चैनल पे जाके मेरी दूसरी अनबॉक्सिंग की वीडियो देख सकते हैं, मैं इसी तरह नई नई अनबॉक्सिंग की वीडियोस डालती रहती हूँ। मैंने मेरे एक्चुअली स्केचेस माय फेवरेट शूज़ ब्रांड है, तो मैं काफ़ी सारे शूज़ की वीडियोज़ डाली है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए गाइस देख सकते हैं ये स्केचर्स के फ्लेक्स अवेल 3.0 देख सकते हैं और इसे अब हम अनपैक करके दिखाते हैं। गाइस इसका नाम भी काफ़ी है, देख सकते हैं कितने ट्रेंडी है ये, काफ़ी ट्रेंडिंग शूज़ लग रहे हैं। कलर देख सकते हैं ग्रे है बट उसको हाईलाइट किया हल्का ग्रीन है एंड इधर पर्पल है, ये देख सकते हैं ये हाईलाइट हो रहा है, इस वजह से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हैं नीचे से भी। आई लाइक दिस शूज, ये मैंने यूके का आपको बताया 7 नंबर ऑर्डर किया है।
आप देख सकते हैं स्केचर्स एयर कूल प्राइमरी फॉर्म, ये से ये निकलना मुश्किल हो रहा है यार, देखते हैं। वाओ, आप देख सकते हैं अंदर से भी एक्वा ग्रीन कलर है, और ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कैमरा पास करके। इसका भी जो कुशन पैड है बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हैं इस तरह से। घबराइए मत, मैं आपको कैमरे में पास से दिखा रही हूँ। लाइट फिश जूस है ये देखिए, और इसका जो दूसरा पेयर है इसको भी हम निकाल लेते हैं। कैसे इसका बॉक्स है वो भी बहुत अट्रैक्टिव सा है, देख सकते हो अट्रैक्ट कर रहा है आपको, पिंकिश और इसमें पर्पल है। चलिए जो हम शूज की बात करते हैं, रनिंग शूज है, वॉकिंग रनिंग देख सकते हैं। गाइस देख सकते हैं इसका कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो एक्वा कलर है अंदर बहुत ही क्यूट लग रहा है, और साइड में पर्पल और पिंक है वो और भी अच्छा लग रहा है, खूब काफ़ी अच्छा लग रहा है इस वजह से ये। और जो अंदर आपने देखा जो इसका मैट है वो भी काफ़ी कुशन काफ़ी अच्छा है, लाइट वेट है ये भी शूज़, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग से लग रहा है। बट मैं दोनों को कंपेयर करके बताती हूँ आपको दोनों में डिफरेंस। गाइस आप देख सकते हैं और इसका फील मैं कर रही हूँ, इसे पहनने के बाद ही बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही लाइट वेयर और कंफर्ट महसूस हो रहा है मुझे। और जो स्केचर के शूज़ हैं उनको काफ़ी लंबे समय तक आप लोग पहन के रख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज बहुत ही लाइट वेट होते हैं, कंफर्ट होते हैं, और कुशन जो हो काफ़ी अच्छा होता है आप देख सकते हैं, और काफ़ी ट्रेंडी लग रहे हैं। कलर बहुत यूनिक सा लग रहा है, ग्रे के साथ जो एक्वा है और पिंक और पर्पल कलर है बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं गाइस। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब दूसरा शूज़ भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, और दोनों का फील करने के बाद मैं आपको कंपैरिजन दोनों का करके बताती हूँ कि कौन सा शूज़ ज़्यादा अच्छा है और किसके लिए है। देख सकते हैं गाइस ये जो ग्रे शूज़ है ये भी मैंने वेयर कर लिया, पहन चुकी हूँ मैं, और देख सकते हैं पहनने के बाद लुक वाइज कैसे लग रहे हैं। लुक वाइज अच्छे हैं और पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं अभी आपको बताती हूँ, देख सकते हैं गाइस सर से साइड से। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है और कंफर्टेबल है। आप मेरे चैनल पे जाके मेरे दूसरे स्केचर शूज़ भी देख सकते हैं गाइस। चलिए अब इनका कंपैरिजन करते हैं गाइस। दोनों ही शूज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, दोनों ही फर्स्ट क्लास है, दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, दोनों ही स्केचर के शूज़ हैं, बट वियर करने के बाद दोनों को पहनने के बाद गाइस जो ये वाला शूज़ है ये अच्छा है, लाइट वेट है, कुशन है, बट इसको मैं दूंगी 4.5 स्टार दूंगी इसको मैं, क्योंकि कंपैरिजन मेरे पास दो शूज़ है, तो ये वाला जो शूज़ है वो ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से, ज़्यादा उसका पैड गोगा मैट है, अल्ट्रा सॉफ्ट है ये वाला शूज़, तो मैं इसको 5 में से 5 स्टार दूंगी इस वाले को क्वे को। बट जो दूसरा है बहुत ही ट्रेंडी है, और जो दूसरा है जो सिंपल ग्रे है वो रॉयल लुक है, दोनों शूज़ बहुत बढ़िया है गाइस। आप दोनों ही अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, देख सकते हैं दोनों की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, दोनों ही लेशियस शूज़ है,
देख सकते हैं। बट ये जो ग्रे वाला शूज़ है ये आप मम्मा हो गए, ओल्ड एज हो गए, अपने से बड़े हैं उनको गिफ्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुशन है अंदर, गोगा मैट है, अल्ट्रा सॉफ्ट है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है गाइस, और देख सकते हैं बहुत ही लाइट वेट है। और ये जो थोड़ा ट्रेंडी है ये यंग एज को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, उनके लिए एकदम परफेक्ट है। और ये वाला शूज़ लाइट वेट है एंड थोड़ा ट्रेंडी है, बट कंपैरिजन करेंगे तो जो डार्क ग्रे है वो थोड़ा अल्ट्रा सॉफ्ट है अंदर से, और ये थोड़ा सा 19 बेस है, ये कम है, बट दोनों ही शूज़ वेयर करने के बाद मुझे अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ है, काफ़ी लंबे समय तक पहन सकते हैं गाइस। मैं इसी तरह नई नई अनबॉक्सिंग की वीडियोस लाती रहती हूँ। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं इसी तरह नई नई अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ लाती रहती हूँ गाइस, आप मेरे चैनल पर जाके मेरी दूसरी अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइस।